कैंट थाना क्षेत्र में हुई मोबाइल लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने लूट के 6 मोबाइल के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। कैंट थाना प्रभारी बनाए जाने के बाद चंद्रभान सिंह की यह पहली सफलता है। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान खोराबार थाना क्षेत्र के रानी बाग बड़ा पथरा न्यू कॉलोनी निवासी शुभांकर गुप्ता पुत्र स्वर्गीय रामनाथ गुप्ता और अमित कुमार पुत्र हरिलाल हरिजन के रूप में हुई है। इन लोगों के पास लूट की 6 एंड्रॉइड मोबाइल सेट बरामद हुई है। पुलिस लाइन सभागार में घटना के खुलासे के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने कहा, कहा है तुम लोग, ये धंधा करने लगे में मोबाइल चुनौती की जो घटनाएं विगत कुछ दिनों में हो रही थी उसमें ये एक नया गैंग ठीक प्रकाश में आया है। ये 2 लड़के शुभांकर गुप्ता और अमित कुमार जो पकड़े गए हैं, इन्होंने 15 तारीख को विश्वविद्यालय चौराहे के पास एक मोबाइल चुनौती घटना कारित की। कल ठीक रात्रि में वाटर पार्क के पास से इनकी गिरफ्तारी हुई है। मुखबिर के सूचना देने पर नवनियुक्त प्रभारी निरीक्षक कैंट के द्वारा ये पहली सफलता उनकी है, उनके पूरे टीम की। कुल 6 मोबाइल बरामद हुए हैं लूट के, जो ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि ये हम लोगों ने जो इनके पास से बरामद हुई, प्लस घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है वो भी बरामद हुई है और अभी उसकी जांच चल रही है कि मोटरसाइकिल इनके पास कहाँ से आई। इसके पहले भी कभी जेल जा चुके हैं? अभी इनका ऐसा कहना है कि इसके पहले हम कभी भी जेल में नहीं गए हैं। अन्य थानों से और अन्य जनपदों से भी हम उस समय स्थापित करके इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इनका क्या अपराध है। फिलहाल 2 पकड़े गए हैं, 2 का ही नाम ले रहे हैं। इसके अलावा इनका कहना है कि शहर क्षेत्र में जगह जगह मोबाइल हमने बेचा है, यहाँ तक कि गोला क्षेत्र में भी इन्होंने मतलब मोबाइल बेचा है। और इनका कहना है कि मेन काम यही शहर में ही करते थे। तो मोबाइल बेच के क्या करते थे, कहाँ मोबाइल बेच के अपनी जो भी इनकी अरे जरूरतें हैं, अपनी अयाशी की जो भी इनकी जरूरतें हैं उसको पूरा करते थे।